फ्रेंड्स फेसबुक तो आप सभी यूज करते हो, लेकिन लगे हैं एक रेस के अंदर अपने लाइक्स को बढ़ाने के लिए और इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए। इसी जल्दबाजी के अंदर आप कर देते हैं एक बहुत बड़ी गलती, जिसे आप ऑटो लाइकर का यूज करते हो। और मैं बताऊंगा आपको ऑटो लाइकर का यूज करना बंद क्यों कर देना चाहिए इस वीडियो के अंदर। जब तक देखते रहे, मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद, आप देख रहे हैं RPC। देखिए फेसबुक तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिससे आप हर कुछ चीज जिस तरह यूट्यूब के अंदर मिलती है उसी तरह आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये करता भी एकदम यूट्यूब के तरह ही काम है। अगर आप यूट्यूब के अंदर आप देखते हो ज्यादा कॉमेडी, तो आपके जो होम पेज है वहाँ पर आपको ज्यादा कॉमेडी के वीडियोस दिखेंगे। अगर म्यूजिक देखते हो तो आपको म्यूजिक के यानी गाने के आपको वो बहुत सारे वीडियो दिखेंगे होम पेज के अंदर। उसी प्रकार जो फेसबुक का होम पेज है, जिसके अंदर आप ज्यादा लाइक करोगे, जिस फोटो को जिस वीडियो को आप ज्यादा लाइक करोगे उसी की फोटो आपके सामने आने वाली है। प्रैक्टिकली है कि हम 5000 फ्रेंड्स फेसबुक के अंदर जोड़ सकते हैं, लेकिन हम जानते कितने हैं उनको, 1000, 500, 1000, 2000 तक लगभग इतने ही हम उनको जानते हैं, ये भी पूरे नहीं जानते होंगे। लेकिन लगे हैं अपने लाइक्स को बढ़ाने के लिए ऑटो लाइकर का यूज कर। अगर 5, 10, 15, 25 लाइक्स जो आते हैं अपने पोस्ट के ऊपर, उससे पता क्या चलता है? अगर ज्यादा लाइक्स आएंगे तो उससे पता चलेगा वो कितना बड़ा है, कितना पॉपुलर है और कितना अच्छा आदमी है। उसी चक्कर में वो करते हैं गलती ऑटो लाइकर का यूज कर। उसी प्रकार ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे डीजे लाइकर हुआ, ऑटो लाइकर हुआ, उसे आप अपने फेसबुक के लाइक तो बढ़ा सकते हो, लेकिन उसका मतलब क्या है, वो काम कैसे करती है? वो काम ऐसे करती है कि लाइक के बदले लाइक, यानी आपने एक बार उसके अंदर साइन इन कर लिया है, आपको लाइक्स तो मिल जाएंगे। वो मिलते कैसे हैं? जिन्होंने पहले से फेसबुक के अंदर उस एप्लीकेशन के अंदर साइन इन कर रखा है वो आपको लाइक दे देंगे। अगर आपने भी उसके अंदर साइन इन कर लिया, अगर कोई नया यूजर आके उसके अंदर साइन इन करता है, तो आपके अकाउंट से पता नहीं कब उस फोटो के अंदर वो लाइक कर देगा। और ये फ्रेंड्स आप करते कैसे हैं, ये जो भी एप्लीकेशन आपको पूरी अथॉरिटी देते हैं आप उनको कि आप अपना फेसबुक का अकाउंट है जो पूरा कंट्रोल करे। और वो फ्रेंड्स लोग होंगे कौन जिससे आप कभी जानते नहीं हो, जो अननेसेसरी पेज के ऊपर आपको लाइक करवा देंगे, जिसे आपको कभी ऐसे लाइक करने ही नहीं चाहिए ऐसे पेज के ऊपर। और फेसबुक भी इस पॉलिसी के अगेंस्ट है कि आपको ऑटो लाइकर जो अपना जो अकाउंट है फेसबुक का, जो किसी दूसरे अकाउंट के अंदर यानी अकाउंट के अंदर साइन इन नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो आपकी फेसबुक की सेटिंग्स है, जो आप प्राइवेट कर रखे या फ्रेंड्स कर रखे, वो आपको पब्लिक कर देते हैं। और जो पोस्ट कर रखे उसको भी आप पब्लिक करना पड़ेगा, यानी पब्लिक करना पड़ेगा, उसी से आपको ये लाइक्स मिलेंगे। लेकिन जो फेसबुक पे जो आप अननेसेसरी जो फोटोज है जो आप कभी लाइक करवा देते हैं, इलीगल चीज है जो आप जो ऑटो लाइक करके यूज करते हैं, वो इलीगल फोटो है या कोई भी वीडियो हुआ, जो पोस्ट हुआ, जो आपको वो दूसरे से लाइक करवा सकते हैं, इससे आपके बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। बात ये नहीं है कि आप जो ऑटो लाइकर का यूज करके जो नकली लाइक से आपके उसका यूज करें, बात ये है जो आपका अकाउंट है जो अनसेफ हो जाएगा। और आप एक ऑटो लाइकर यूज कैसे करते हैं, हम जो टोकन नंबर देते हैं, जो कोड देते हैं, हम क्या सोचते हैं सिर्फ कोड होगा, लेकिन वो आपके पासवर्ड के बराबर टोकन नंबर होता है। जैसे पासवर्ड होता है उसी तरह वो टोकन नंबर होता है। उसी प्रकार जो अनसेफ हो जाता है अपना अकाउंट हो जाता है, जो अनसेफ हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो हम पब्लिक के अंदर कर देते हैं। अभी इस ऑटो लाइकर का यूज किया है तो आपको सबसे पहले अपने जो पब्लिक है, पब्लिक को आपने प्राइवेट यानी फ्रेंड्स के अंदर क्लिक कर लीजिए, और अपना पासवर्ड जो है जो चेंज कर लीजिए फेसबुक अकाउंट का। और जो आपके जो बहुत सारी एप्लीकेशन जो कनेक्टेड है फेसबुक से, आपको वो डिस्कनेक्ट कर देनी चाहिए सबसे पहली बात तो। और जो आपको लाइक्स मिल रहे हैं 15, 20, 25, 100, उससे आप खुश रहे। अगर आपने ऑटो लाइकर का यूज किया है तो आपका अकाउंट तो अनसेफ हो गया होगा। जो एलिजिबल चीजें हैं जिससे हमें कभी लाइक नहीं करनी चाहिए, जो उससे भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए डोंट यूज ऑटो लाइकर, बी हैप्पी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो, और अपने दोस्तों को भी बताओ कि आपको जो ऑटो लाइकर है उसे यूज नहीं करना चाहिए, कितना ये अनसेफ है। जब तक मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, जब तक बाय बाय।